हेलो गाइस, तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको दूंगी मेरे हॉस्टल रूम का टूर। देखो, मेरा जो पहले वाला हॉस्टल था वो माचिस के डिब्बी से तो बड़ा नहीं था, पर मेरा जो ये वाला हॉस्टल है वो बड़ा है। मैं पहले कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और अब मैं बाहर रहती हूँ। बहुत ज्यादा लग्जरी रूम का अगर आप सोच रहे होंगे तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल हॉस्टल रूम की तरह ही हॉस्टल रूम है। वैसे मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ती हूँ देहरादून में। देहरादून का वेदर बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे कोई एसी वेसी का जरूरत तो नहीं पड़ता, पर मेरे रूम में खिड़की भी नहीं है। मतलब खिड़की है पर ऐसे जगह पे है कि मैं उसे नहीं खोल सकती हूँ, और मैं इसीलिए रूम चेंज कर रही हूँ। दूसरा रीजन है कि टाइम, मुझे जाना होता है सुबह सुबह वॉक पे और यहाँ का गेट खुलता है सुबह 8 बजे, और उसके बाद और भी कुछ कुछ रीजंस है, वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। अभी फोकस करते हैं मेरे हॉस्टल रूम टूर पे। सबसे पहले ये है मेरे फ्रिज मैग्नेट्स। यहाँ पे मेरे पास फ्रिज नहीं है, इन्हें मैंने बहुत अच्छे से कलेक्ट किया, जहां जहां मैं गई हूँ वहां वहां का फ्रिज मैग्नेट है। और मेरा फेवरेट है ये वाला, अयोध्या वाला। यहाँ पे गई नहीं हूँ बट मुझे दिल्ली में दिखा था तो मैंने ले लिया था, बहुत सुंदर है। उसके बाद ये वाला, यहाँ मैं गई लोटस टेम्पल दिल्ली, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सा है। ये केरला वाला भी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये ऋषिकेश, उल्टा दिख रहा होगा। बाय द वे, ये मेरा कबर्ड है। मेरा कबर्ड बहुत बड़ा है और मुझे इतना बड़ा सा कबर्ड मिला है। पहले वाले कबर्ड में मैं रखती हूँ अपने कपड़े, खोल के दिखाती हूँ, साफ रखती हूँ। मैं रखती हूँ अपने डेली वेयर्स जो मुझे रोज़ रोज़ पहनने होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर मैं रखती हूँ अपना बॉटम। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ स्वेट शॉर्ट्स रख रखे हैं, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकती। ये है मेरा दूसरा कबर्ड जिसमें मेरे बने हुए ड्राॅइंग्स लगे हुए। सबसे पहले है श्री कृष्ण का, दूसरा है मेरे प्यारे हनुमान जी का, और तीसरा है खुद देख लो किसका है, बताओ कैस करो। ये है शिव जी, ये है माँ पार्वती, ये है गणेश भगवान जी, और ये उनके भाई, बताओ उनका नाम क्या था, और ये है हमारे प्यारे नंदी जी। इसमें मैं रखती अपने बुक्स। तीसरा वाला वॉल इधर, मतलब तीसरे साइड इधर है। यहाँ पे भी मेरा एक डोर था बट मैंने इसे हमेशा के लिए लॉक कर दिया है, क्योंकि फालतू का दो दो क्या करती हूँ। यहाँ है मेरा स्टडी टेबल जिसपे मैं कभी बैठ के पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं हमेशा बेड पे करती हूँ। इसके लिए मैं बचपन में अपनी मम्मी से बहुत गाली सुनती थी, पर फिर भी मैंने अपना आदत नहीं छोड़ा, कितनी लॉयल हूँ। ये वॉल हैंगिंग मैंने ऋषिकेश से लिया है। ऋषिकेश में इतने प्यारे प्यारे वॉल हैंगिंग मिलते हैं और इतने कम प्राइस में, मतलब आपको बार्गेन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप रखती हूँ, कुछ बुक्स रखती हूँ जो मैं कभी नहीं पढ़ती। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बैग रखती हूँ, मैं कॉलेज में पूरा कॉपी किताब लेके जाती हूँ। और मैं आपको एक प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ जो मेरे स्टडी टेबल पे हमेशा रखी रहती है, ये पत्थर। मैं ये ऋषिकेश से लेके आई थी और मैंने इसे खुद से डेकोरेट किया था और इस पर एक स्पेशल सा डेट लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा फेवरेट जगह, फेवरेट मेरा बेड। बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल बेड है मेरे हॉस्टल का, बहुत ज्यादा, बट बहुत प्यारा बेड है। ये है मेरे रूम का सेकंड फेवरेट जगह, सजने सवरने वाला जगह मेरा। यहाँ पे मैंने एक लाइट लगा के रखा है लव वाला, जो मैं अभी आपको जला के नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ये रिंग लाइट। इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, मैंने हर एक सेक्शन में अलग अलग चीज रखी है। इसमें है स्किन केयर, इसमें मेकअप, उसके नीचे है क्लचर्स। क्लचर्स के इतने सारे कलेक्शन है। भगवान जी, बेस्ट पार्ट रूम का मेरे हनुमान जी, उनके पीछे है माता जी, गीता भी रखा है और हनुमान चालीसा भी रखा है। मेरा रूम बहुत प्यारा है मेरे लिए, मैंने इसे डेकोरेट करने में उतना ज्यादा मेहनत नहीं किया और अब मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ। इमोशंस की बात रही तो नहीं, इस हॉस्टल रूम से मेरे कोई इमोशंस नहीं जुड़े हैं, कोई भी नहीं। मुझे इसको छोड़ के जाने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मतलब मैं खुश होंगी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। पता नहीं, हो भी सकता है कि शायद बुरा लगे बट नहीं लगेगा। यही था मेरा हॉस्टल रूम,
अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना। मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने कॉलेज से रिलेटेड, अपने हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड, एंड आपको अच्छा लगेगा देख के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अपना लाइफ एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ अपना लाइफ एंजॉय करने। बाय।